ये स्कूल वाले जो है पैसे की डिमांड कर रहे हैं, फीस आप ले लो, लेकिन जो दुकान 3 से 4 महीने बंद थे और उनका बिल आना, ये मतलब क्या दर्शाता है? ये मुझे नहीं लगता। राह टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। इस वक्त ठाणे जिले में सबसे ज़्यादा जो मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, जो जमीनी स्तर पर जो मुद्दे चल रहे हैं और जो यहाँ लॉकडाउन के बाद जो लोग परेशान हुए और उसके बाद अब जो परेशानी उनके सामने आई है, पहला एक लाइट बिल और दूसरा जो है पूरे ठाणे शहर में जगह जगह पर खड्डे हैं, तो ये सब चीज़ों पर तो हम बात करेंगे ही। लेकिन अभी फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी से ठाणे शहर के जो अध्यक्ष बने हैं, हम विक्रांत चौहान साहब से बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी उनको जो है तजुर्बा है और वो ज़मीनी स्तर के नेता हैं। जिस हिसाब से आपको चुना गया है, ठाणे शहर अध्यक्ष बनाया गया है, किस तरह से आप ठाणे शहर में काम करेंगे, किस तरह से लोगों की समस्याओं को सुलझाएंगे? तो सर, जिस तरह से समस्याएं लॉकडाउन के बीच आई, लोग जो है अपने अपने घरों में कैद रहे और उसके बाद दुकान मकान जो दुकानें थे वो तो बंद ही थे और लोग घर में कैद रहे, और उसके बाद जो है जो समस्या सामने आ रही लाइट बिल की, कि 3 से 4 महीने में 10 से 12 हज़ार बिल एक एक ग्राहक को आना, ये कितना सही? और इस पर आप किस तरह से जो है भूमिका निभाएंगे, जो लोगों की जो मदद है वो किस तरह से कर पाएंगे? कैसे, देखिए ये समस्या सभी को आई है, खुद मुझे भी आई है। मेरे ऑफिस का और मेरे घर का बिल ज़्यादा आया था, तो मैंने वो रीडिंग्स बता के, पहले से जो रीडिंग्स है इसमें कैसे, इसमें ये टेक्निकल फॉल्ट है थोड़ा, इसमें किसी की गलती नहीं है, वो इन जनरल एवरेज बिल उन्होंने भेजा है, तो ये टेक्निकल फॉल्ट है। जनवरी में या फरवरी में जो रीडिंग्स लिए गए थे उसके बाद रीडिंग्स लिए नहीं गए और डायरेक्ट जुलाई तक रीडिंग्स लिए नहीं गए और एवरेज बिल भेजा गया। उसके बाद ये जो मई जून और जुलाई में जो बिल्स आए, अधिकतम बिल आए, वो इसलिए आए हैं कि जो पहले से जो रीडिंग था उसका कंजम्पशन जो अभी तक हुआ बराबर है, वो मद्देनज़र रखते हुए वो उसके तुलना में जो रकम थी उसको एडजस्ट करके फिर जो बाकी का रीडिंग था उसका बिल उन्होंने उसमें जोड़ के भेजा है। लेकिन सर ठीक है, आपकी बात मैं मान लिया, लेकिन जो घर है वो तो ठीक है, लेकिन जो दुकान 3 से 4 महीने बंद थे और उनका बिल आना, ये मतलब क्या दर्शाता है? और वो भी बिना रीडिंग के, बिना कुछ, और वो अचानक एवरेज बिल अगर उनका आता है जिस तरह से वो भेजते हैं, तो 1,000 महीने का बिल होता था, वो 10 से 12 हज़ार फिर कैसे? मुझे जब तक लगता है, चाहे सरकार किसी का भी हो, MSEB में रीडिंग के अनुरोध पर ही बिलिंग होता है, पर यूनिट रेट रहता है रीडिंग के अनुरोध पर। दुकानें बंद भी है तो जो एवरेज बिल रहता है, कमर्शियल मीटर रहता है, एवरेज बिल रहता है, उसी हिसाब से बिल आए हैं। किसी का ऐसा बड़ी तादाद में किसी के बिल ज़्यादा नहीं आए, ये किधर कहाँ फॉल्टी मीटर्स होंगे या कहाँ कुछ गलतियाँ है वो होगा। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी दुकानदार का बिल दुकानें बंद होने के बाद जैसे पहले आता था, दुकानें चालू थी वैसे पहले कंज्यूम होता था, उनकी इलेक्ट्रिसिटी होती थी, उसी तादाद में आ रही, ये मुझे नहीं लगता। सर आपकी बात ठीक है, लेकिन जो है आप ही के पार्टी के नेता जो है वो ऊर्जा मंत्री हैं, लेकिन जो समस्याएं सामने आ रही उसको लेकर आप आगे कुछ बात करेंगे? नहीं, किस मसले में बात करेंगे, किस मसले में बात करेंगे? देखिए, खुद ऊर्जा मंत्री छोड़िए, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था ट्वीट करके, और बाद में ऊर्जा मंत्री जी ने भी कहा था, हमने भी ट्वीट की थी, बराबर है, आपने शायद देखी नहीं, मुख्यमंत्री साहब ने ट्वीट की थी कि लाइट बिल जो भेजे है वो वापस रीचेक करके वापस आप भेज दीजिए। जब महाराष्ट्र के देश के राज्य के CM ने जब बोल दिया है कि चेरी वेरीफाई करके भेज दो, तो ऊर्जा मंत्री तो उनके नीचे अंडर काम करते हैं, बराबर है, ऊर्जा मंत्री भी रहेंगे मेरे इसके रहेंगे, अभी मुख्यमंत्री भी मेरे हैं, मैं आघाड़ी सरकार में हूँ और मुख्यमंत्री ये महाराष्ट्र में रहने वाले हर नागरिक का मुख्यमंत्री है, उन्होंने खुद कहा, ये कंप्लेंट्स उन तक गई लोगों की, तो चालू है उनका ये काम MSEB वालों का। टोरेंट से सबसे ज्यादा गुमराह कलवा परेशान, क्योंकि बिलों की जो है गड़बड़ी सबसे ज्यादा है, इसको लेकर जो है आप किस तरह की कदम उठाएंगे? देखिए कैसे है, टोरेंट ये BJP के सरकार ने लाया है, ये जो टोरेंट ये एक वसूली का ये है, एका दिया वो कंपनी है, कैसे रहता है देखिए, MSEB का रूल है, या जैसे अभी अपन देखते हैं सार्वजनिक बांधकाम खाते में PWD में ये टोल वसूली के जो ठेके रहते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि गवर्नमेंट के लोग कम रहते हैं, और MSEB ने क्या देखा कि जहाँ पे GR है MSEB का, कि जहाँ पे 50% से कम वसूली होती है वहाँ पे ठेका दिया जाता है वसूली का, इस माध्यम से ये टोरेंट है। मैं अध्यक्ष बनने के बाद मैं जब जब कलवा मुमरा में, मैं ज़्यादातर कलवा मुमरा में घूमा,
मैंने देखा कि लोग टोरेंट से परेशान है, नो डाउट टोरेंट से लोग परेशान है कि टोरेंट की जोर जबरदस्ती है या टोरेंट का जो बिल का मामला है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बिल जो दिया जाता है वो एमएसएमई के थ्रू दिया जाता है और टोरेंट वसूली का काम, तो मैंने मेरे कार्यकर्ता लोगों से यही किया है, अपील किया है, कलवा के हो, मुमरा के हो, कौसा के हो, दीवा के, कि भाई टोरेंट के मामले में आपको जो जो जानकारी है, क्या तकलीफें हैं लोगों की, ये थोड़ा मेरे सामने रखिए, एक अभ्यासिका मेरे सामने रखिए, एग्रीमेंट टोरेंट का ले लीजिए, वो एग्रीमेंट पर मैं पढ़ूंगा क्या है, मैं खुद अभ्यास करूंगा और उसके बाद मेरी जो रणनीति है टोरेंट के बारे में, तकलीफ अगर होती होगी लोगों को, मुझे अगर सही मायने में मुझे लगा कि यस तकलीफ हो रही है और ये गलतियाँ सुधारनी चाहिए, तो 100% नितिन राउत जी है, राहुल जी है, मुख्यमंत्री जी है, उनके पास आवाज़ उठा के एक अलग तरीके से आंदोलन छेड़ के थाना कलवा मुमरा विटावा कौसा और दीवा में अलग तरीके से आंदोलन कांग्रेस छेड़ेगी और मैं देखूंगा वो आंदोलन मेरा इस तरीके से रहेगा कि मुझे मालूम होगी कि एक्चुअल कितने लोगों को परसेंटेज लोगों को तकलीफ इस टोरेंट से हो रही है। आप देखोगे वो मेरे मन की बात है, मैं बताऊंगा नहीं अभी, इस तरीके का एक आंदोलन कांग्रेस छेड़ेगी कि उससे मालूम होगा कि भाई सही मायने में टोरेंट से लोग तकलीफ में है। जब तक और उस आंदोलन में लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप खुद सहभागी हो, अगर लोगों ने सहभाग दिखाया उसमें तो 100% अपन समझ लेंगे कि टोरेंट से तकलीफ मुमरा वासियों को, कलवा वासियों को, विटावा वासियों को, कौसा वासियों को और दीवा वासियों को हो रही है। फिर मैं लोगों के सामने एक प्रश्न रखूंगा, इसके लिए हम तो काम करेंगे, हम नितिन राउत से तो ये गलतियां सुधारने की कोशिश करेंगे, राउत साहब से हम अगर जरूरत पड़े तो राहुल जी को मिलेंगे, सोनिया जी को मिलेंगे, हम दबाव डालेंगे, लेकिन अगर ये समस्या ग्रहण है और लोगों ने अगर ये बता दिया हमें उस अभिनव आंदोलन में सहभागी होके कि भाई ये टोरेंट सही में तकलीफ दे रही है, तो मैं प्रश्न रखूंगा श्रीकांत जी शिंदे के सामने, जितेंद्र रावत जी के सामने, कि आपको लोग चुनके देते हैं और लोगों से भी ये अपील करूंगा आप इनको चुनके देते हैं, अगर टोरेंट की समस्या इतनी ग्रहण है और आपको तकलीफ हो रही तो ये नेतागण क्या कर रहे हैं, चाहे वो राजू पाटिल हो, चाहे वो श्रीकांत जी शिंदे हो या जितेंद्र रावत साहब हो, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपील करूंगा मैं। और साथ ही में बीजेपी को, मैं बीजेपी और शिवसेना को भी ये अपील करूंगा कि आप जब युति सरकार में थे आपने ये टोरेंट लोगों पर लादा था, तो आज आप लोगों के सामने क्या मुंह लेकर जाओगे। लेकिन जो ठाणे शहर में जगह जगह पर खड्डे हैं उसको लेकर आप जो है किस तरह से आगे आ रहे हैं, कैसे? देखिए अभी ऐसा है कि पिछले मार्च महीने से एक तो अपनी टैक्स वसूली नहीं हुई, बराबर है, महानगर पालिका का जो बजट है 4000 करोड़ से 1500 करोड़ पर आ गया, क्यों? क्योंकि जो रेवेन्यू ये था, इनकम रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड था 31 मार्च तक, वो हो नहीं पाया। अब हुआ ऐसे कि मार्च से लेकर अभी तक कोविड की समस्या सता रही है, पूरे देश को सता रही है। अभी उसमें क्या हुआ, ये जो दैनंदिन कामें हैं, ये जो नागरिक सुविधा के कामें हैं, रस्ते हैं, गटर्स हैं, नाले हैं, उसमें नाले सफाई तो हो गई, लेकिन नाले सफाई में भी प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारे नाले सफाई भी नहीं हुई, बिल भी पेंडिंग पड़े हैं उसके लिए, वो तो एक अलग मायना इशू है। ये जो रस्तों के गड्ढे हैं, अभी कैसा है कि ऑलरेडी बजट नहीं है और ये मौसम, ये इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स भी नहीं है, सब लेबर्स चले गए गाँव, तो अभी क्या हुआ, ये इस पर थोड़ा दुर्लक्षित हुई है, ये बात दुर्लक्षित हुई है, इसलिए मैंने कहा कांग्रेस के माध्यम से 20 तारीख को हम खंडे भरो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये किस लिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रशासन की इसमें गलती है, लेकिन प्रशासन से किधर तो भी देरी हो रही है, प्रशासन इस पर ध्यान दे नहीं पा रहा है, दे नहीं पा रहा होगा शायद कोविड की वजह से। मैंने कहा कि लोगों को, कर्मचारियों की कटौती है, ठेकेदारों की कटौती है, पैसे का मामला है, इसलिए मैंने, हम लोगों ने कांग्रेस के स्तर पर पूरे जन जागरण जागरण अभियान के द्वारा हमने पूरे 12 ब्लॉक में, दीवा से लेकर मुलुंड चेकनाका तक और श्रीनगर से लेकर हमने गायमुख तक, जहाँ ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र है, हर ब्लॉक में, 12 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में हमने ये आंदोलन छेड़ने की, अभी आपने देखा, सूचना हमने दी है कांग्रेस कमेटी की तरफ से, 20 तारीख को ये रहेगा और हम उसके द्वारा, उसके माध्यम से हम महानगरपालिका आयुक्त हो या महानगरपालिका प्रशासन हो, बांधकाम, सार्वजनिक बांधकाम विभाग हो, उनका लक्ष्य वेधने के लिए ये आंदोलन हम लोग ले रहे हैं और मुझे लगता है गणपति के पहले बहुत सारे खड्डे बुझ जाएंगे। सर, ये मुमरा के अंदर, मुमरा के अंदर कई स्कूलें हैं जो धांधली हो रही है, वहाँ पर जो स्कूलें हैं, जो स्कूल खुले हुए हैं प्राइवेट हैं, आपके ही पार्टी में जो है मंत्री भी हैं उसमें, तो ये स्कूल वाले जो है जो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, स्कूली जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से लेटर भेज कर कि आप पैसे फीस भरिए, तो इस पर भी कुछ आपका अहम रोल होगा? फीस आप ले लो, मैं ये नहीं बोलता हूँ फीस ये मत करो, लेकिन अभी की परिस्थिति देख के हमने पहले भी विनती की है
और हमने शिक्षा मंत्री से विनती की है कि फीस के लिए ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिए, फीस तो आज नहीं तो कल भरनी ही पड़ेगी, उसमें थोड़ा कंसेशन दीजिए और बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की फ़ीस है, जैसे PT ट्रेनिंग है, म्यूज़िक है, डांस है, कंप्यूटर्स है, ये इसमें फीस में कटौती करके जो शिक्षा के लिए ज़रूरी फीस है, बराबर है, जितना बाबा शिक्षकों को देना है पगार, सैलरी देनी है, नॉन टीचिंग स्टाफ को देनी है, कर्मचारी है, स्वीपर है, प्यून्स है, इनको देना है, क्लर्क्स है, इनको देना है, उनके लिए जितना सैलरी को लगता है और लाइट बिल्स आपको जो बिल्स भरने उसके लिए जितना लगता है उसका कैलकुलेशन करके आप लोगों को एक संधि दीजिए, चांस दीजिए, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता भरेंगे, क्योंकि कैसे हैं स्कूल्स जो थाना है या देश में, स्कूल्स ये टक्के के हिसाब से है, परसेंटेज के हिसाब से है, CBSE स्कूल्स है, ICSE स्कूल्स है, स्टेट बोर्ड स्कूल्स है, उसी के साथ अमीर स्कूल्स है, गरीबों के स्कूल्स है, मध्यम वर्गियों के स्कूल्स है, तो अलग अलग फ़ी के रेंज है, फ़ी के रेंज तो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में डिसाइड किए जाते हैं, वो गवर्नमेंट का नॉर्म है, तो ये फीस को मान्यता हम लोगों ने दी है, पालक लोगों ने दी है, हाँ लेकिन कैसे है गरीब विद्यार्थी है, जहाँ पे अभी म्यूनसिपालिटी के स्कूल में, ZP के स्कूल में तो फ़ी का संबंध आता ही नहीं, लेकिन जो बाकी के स्कूल्स है, झोपड़पट्टियों में है, इलीगल स्कूल्स है, जो शिक्षा दे रहे हैं या लीगल स्कूल्स है, अनएडेड स्कूल्स है, वहाँ पे नेचुरली फ़ीस की परेशानी है, वहाँ पे नेचुरली पैसे की आमदनी की परेशानी है, तो मैं लेकिन ये समझता हूँ, मैं सबसे आपके चैनल के द्वारा फिर से एक बार विनती करता हूँ, शिक्षा मंत्री से विनती करता हूँ कि आप एक वहाँ पे संदेश दे दे, आप एक ऑर्डर निकाले कि भाई स्कूलों ने ज़ोर ज़बरदस्ती मत करना फीस, जैसा आगे चलकर अभी रोज़गार नियमित हो रहा है, फिर से एक बार पटरी पर गाड़ी आ रही है, लाइन पर आ रही है, हाँ थोड़ी देर लगेगी, 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेंगे, वैसे भी इस मुझे नहीं लगता इस साल में स्कूल्स ऑनलाइन के द्वारा के अलावा स्कूल्स प्रत्यक्ष रूप में शुरू होगी, क्योंकि कोरोना की का डर है, विद्यार्थियों का डर है, मुझे नहीं लगता है स्कूल शुरू भी की तो पालक वर्ग जो है, मेरी बेटी, मुझे नहीं लगता है मैं मार्च तक या अप्रैल तक स्कूल में भेजूंगा, मेरी खुद की बेटी, तो ये सभी करोड़ों लोग हैं जो भेजेंगे नहीं, क्योंकि आखिर में सब जीते काहे के लिए, बच्चों के लिए जीते, तो लगता नहीं, और इसलिए क्या ऑनलाइन में जितना खर्चा होता है आहिस्ता आहिस्ता लोगों से आप वसूल कीजिए, और मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि आप जरा स्कूलों को शिक्षण अधिकारियों के माध्यम से हर जिले में, हर महापालिका स्तर पर, हर ग्राम पंचायत, हर नगर पालिका स्तर पर जितने प्राइवेट स्कूल्स है, अनएडेड स्कूल्स है और एडेड स्कूल्स है, सबको आप कृपया संदेश दे दे, आपके इससे मुख्यमंत्री जी से भी विनती करता हूँ, संदेश दे दे कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती पालक पर न करे। हाल ही में जो है कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष चुने गए, लेकिन माना जा रहा है कि आप ठाणे शहर से जमीनी स्तर के नेता हैं और काफ़ी मजे हुए राजनीति में एक खिलाड़ी हैं आप जो, लेकिन सर एक बात ये भी आप मुझे बताइए कि जिस तरह से कांग्रेस के जो पुराने लोग थे कुछ तितिर बितिर हो गए, मैं लेकिन अब जो इधर के उधर हुए हैं उनको आप किस तरह से जोड़ेंगे? और आप, मैं ये समझता हूँ कि राजनीतिक पार्टी और राजनीति ये दिमाग के इस पर चलती है, अच्छाई के इस पर नहीं चलती। एक कहावत है, शरद पवार जी ने कहा था कि राजकारण हे बुद्धीच्या कसरतीवर केलं जातं, मनाच्या चांगुलपणावर नाही। मैं ये समझता हूँ राजनीति करते वक्त सभी राजनीतिक पार्टियाँ एक अपनी मूल्यमापन करते हैं नीतिमत्ता की, और पार्टी चलती है, कोई नेता जाने से आने से, कल को मैं अध्यक्ष रहूँगा आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ लेकिन निचले स्तर पर होने के कारण, मैं निचले स्तर पर हूँ, हर जगह पर थोड़ा सा कांग्रेस में कहीं पे कहीं तो भी एक लूपोल रहा है कि लोग मेहनत करना भूल गए हैं, और कैसे है कि जिला अध्यक्ष हो या सभी कार्यकर्ता हों, थोड़े से उन्होंने जन जागरण करने की या आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, बदलते ज़माने में लोग थोड़े नाराज़ हैं कांग्रेस पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई आने से जाने से, मेरी जिम्मेदारी ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, क्यों मैंने कहा ये राजनीति है, ये थोड़ी कटुता पर, थोड़ी कुटिल ये करके, थोड़ी अच्छाई ये करके, सबको मिश्रित करके आपको वहाँ पे, और सत्ता में अगर आपको आना है या आपको आपके पार्टी को इलेक्शन में बढ़त देनी है तो आपको मेहनत करके, थोड़ी सी जैसे बोलते हैं ना बिरबल थे अकबर जी के इसमें, जो अपने बुद्धि से ये करते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, अपनी बुद्धि से चलाते थे, भले उनके पास लोग कम थे लेकिन अपनी बुद्धि से उन्होंने सामने वाले को हैरान किया था, उसी तरीके से लोगों में से जो कमियां हैं, लोगों को जो तकलीफें हैं, उनको अपन अगर सामने से फेस करें, उनको उनकी ये करें, तो मुझे लगता है आने वाले समय में अगर अपन ज़्यादा थोड़ी मेहनत करें, आज जितनी कर रहे इसके पहले जितनी हुई थी, पुराने ज़माने में जितनी हुई थी वो बहुत अच्छी थी, बीच में जो अपना स्तर उतर गया था, इससे अगर अपन एक 4-5 गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस के अच्छे दिन आने में कोई वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि जो अच्छे दिन लोगों को इतर पार्टियों ने दिखाए थे वो अच्छे दिन अभी बुरे दिनों में जा रहे हैं, और
लोगों में भी समझ आ रही है धीरे धीरे कि नहीं भाई कांग्रेस ही ठीक थी, और थोड़ा अपन पुश करे लोगों के सामने समस्याएं जो नागरिक समस्या है, दैनंदिन समस्या थाने सिटी की, वो अगर लेके जाए और लोगों की मदद करे तो मुझे लगता है कांग्रेस फिर से एक बार एक अच्छी पार्टी करके मजबूती से उभर आएगी। तो ये थे हमारे साथ जो है विक्रांत चौहान साहब, जो ठाणे शहर के अध्यक्ष बने हैं, और इनका मिशन है कि जो लोगों के मुद्दे हैं उस पर तो काम कर ही रहे हैं, करेंगे ही। अभी फिलहाल जो है 20 तारीख को एक मोर्चा है इनका, ठाणे शहर में जगह जगह पर खड्डे हैं उसको लेकर मोर्चा जो है निकाले हुए हैं, और 20 तारीख को मोर्चा बड़े ही तादाद में ये करेंगे। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।